पोल के यहां रखना है इसको। अगर ये नीचे होगा तो ये हल्की हो जाएगी आइटम, अगर ये ऊपर होगा, जैसे अभी ऊपर है, तो जैसे जैसे हम अभी ये बैलेंस को सेट किया हुआ है, इसको जीरो करने के लिए अभी थोड़ा सा इसमें जैसे हैवीनेस है, तो आप इसको रोटेट कर सकते हो, ये तकरीबन जीरो पे आएगी, देखना। ये है ये पोजीशन जो है, ये एग्जैक्टली जीरो पे, अगर नहीं आ रहा तो इसको भी, इसकी सेटिंग भी देख सकते हो आप, इसको इधर उधर आराम से कर सकते हैं, ट्रिपल बीम बैलेंस है ये। ये हो गया, ठीक है जी। अगर कुछ वेट हमारा आ रहा है, जैसे ये तकरीबन 10 ग्राम का वेट आ रहा है, तो आपने इसको या तो जीरो ले लेना, हाँ अभी यहीं रख लो, तो इसको या तो जीरो ले लेना या ये ऐड कर लेना जितना भी होगा ना। मान लो 10 ग्राम है ये पहले से, तो अब हम वेट दे रहे हैं, इधर से मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, ये पावर सप्लाई से ना इसको मैग्नेटिक फील्ड देंगे, तो जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड देंगे ये हैवी हो जाएगी, ये नॉन मैग्नेटिक है, ये जो मेटल है ना, ये ब्रास है बीच में, वो हैवी होगी, वो देखो ऊपर चढ़ गया। तो इसको अब हमने पहले इसकी रीडिंग ले ली, जैसे ये तकरीबन 0.9 है, इसमें पॉइंट नहीं जा रहा है सप्लाई, चलो दूसरी दे देंगे, 0.9 है ये, ठीक है ना, करंट 0.9 है। तो अब ये कितना बड़ा है, वेट इसका कितना बढ़ गया, तो वो हमने नोट करना है ये, इसको ये तकरीबन 0.5 ग्राम, तो 0.5 ग्राम ये वेट बढ़ गया। अब अपना नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट नेक्स्ट दे लेते हैं, 1.5 पे कर लेते हैं इसको, तो 1.5 पे होगी, अभी फिर ऊपर है, तो ये अगर इस पे आ रहा है ठीक है, नहीं आएगा इसको जीरो पे कर लो, और पीछे वाले को कर लो, एंड वाले को, एक पे नहीं आ रहा, दो पे भी नहीं आ रहा, ये तकरीबन 5.5, 5.5 ग्राम जो है ना, ये इस पे पहुंच गया। ये है सेटअप, हमने हर डिफरेंट उसके ऊपर करंट के ऊपर डिफरेंट बैलेंस निकाल देना है, इसको फिर हटा के फिर हमने गॉज मीटर लगा के इतनी ही रीडिंग पे, इतने ही पोल पे हमने मैग्नेटिक फील्ड देखी, ठीक बाकी डिटेल उसमें है मैनुअल में मेंशन करके।